बड़े संख्या में महिला इस आंदोलन में उतरकर इस सड़कों में आए। साथियों, पूरा राजस्थान में हर जगह पे हम लोग का किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है, गाड़ियों को रोके हैं, बस को आने नहीं दे रहे। हम जयपुर से, जयपुर में बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हुआ, वहां हमारे साथियों को गिरफ्तार किए। उसके बाद हम यहां से कुछ आगे चौमू में हजारों संख्या में किसान वहां आए, प्रदर्शन चल रहा है। इतना बड़ा एक संघर्ष, पूरा देश का किसान आंदोलन के लिए स्फूर्तिदायक एक संघर्ष आपका रहा है। और मांग क्या थी? किसानों का कर्जा मुक्ति होना चाहिए। किसान जो उनका फसल है उसके लिए लाभकारी दाम होना चाहिए। मेहनत कश किसान को हर महीना एक उम्र के बाद पेंशन दिया जाना चाहिए। नरेगा मजदूर को और रोजगार का अवसर और उसके साथ मजदूरी में बढ़ोतरी होना चाहिए। आवारा पशुओं से किसान का फसल को नुकसान जो हो रहा है उसको सरकार भरपाई करना चाहिए। हम लोग जो लाल झंडे के तले लड़ते आए हुए, कुछ मिसाल इनके सामने रखने का जरूरत है। जब वो अभी कुछ ही दिन बाद चुनाव के लिए आएंगे फिर आपके पास, उनसे कुछ सवाल पूछने होंगे। केरल में जो कर्जा मुक्ति आयोग बना, सभी किसान का कर्ज माफी किया, उसके साथ साथ वहां के धान के जो खेती होती है, नरेंद्र मोदी का सरकार 1550 का समर्थन मूल्य घोषित किया है। पर केरल का वामपंथी सरकार 2350 रुपया में खरीद करती है, प्रति क्विंटल 800 रुपया ज्यादा देती है। और मोदी जी का जो है वो सिर्फ नाम मात्र, सिर्फ कागज पर लिखा हुआ है कि 1550। हम गए थे बिहार, बिहार झारखंड ओडिशा, वहां किसान को धान के लिए मिल रहा है 800 से 1100 के बीच प्रति क्विंटल का। तो केरल का किसान अगर प्रति क्विंटल 800 रुपया ज्यादा वहां का सरकार दे सकती है, क्यों वसुंधरा राजे सिंधिया और नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते, यह प्रश्न पूछना होगा। साथियों, आप 2000 रुपया का पेंशन का मांग किए थे। केरल सरकार जो वयोवृद्ध के लिए जो पेंशन है उसके अलावा उसको देते हुए उसके साथ साथ किसानों को हर महीना 1100 रुपया पेंशन दे रही है। और पेंशन के लिए पंचायत तहसील ऑफिस में भटकने का जरूरत नहीं है, अपना घर, आपका घर में पेंशन पहुंचाया जाता है। अगर केरल में हो सकता, केरल भारत में नहीं है क्या? केरल में हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? साथियों, मेरा गांव, एक छोटा सा गांव है केरल में, प्रति हेक्टेयर जो धान का खेती होता है तो लेबर सब्सिडी, उसको धान का खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर वहां का पंचायत 17000 रुपया दे रही है और एक साल के लिए 75 लाख उसके लिए रखा है। केरल का एक छोटा पंचायत कर सकता है तो राजस्थान जैसा एक बड़ा राज्य में क्यों नहीं हो सकता, ये प्रश्न पूछने का समय है। हम देखे हैं ललित मोदी देश छोड़ के भाग गया, नीरव मोदी देश छोड़ के भाग गया, और ये किसान, अभी हम लोग भी ठान लिए कि आने वाले दिन नरेंद्र मोदी को भी हम भगाएंगे। इतना ही कहते हुए मैं फिर एक बार आप सभी का सलाम करते हुए अपना बात खत्म करना चाहता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।